ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि कंपनियों के टैरिफ और प्लान में अमूमन ट्राई दखल नहीं देता, लेकिन खाते में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद उपभोक्ताओं की सेवाएं बंद करने के लिए कहना ठीक नहीं है। इस बारे में टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश भेजे जा चुके हैं। ट्राई ने पिछले दिनों ही टेलीकॉम ऑपरेटरों से मुलाकात की थी। ट्राई ने कहा था कि ग्राहकों को उनके प्लान की वैधता की तारीख के बारे में साफ साफ बताया जाना चाहिए, साथ ही न्यूनतम रिचार्ज जैसी सूचनाएं भी देनी होंगी। ट्राई ने ऑपरेटरों से कहा था कि उपभोक्ताओं को SMS के जरिए तुरंत जानकारी दी जानी चाहिए, इसमें 72 घंटे से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। दूरसंचार नियामक ट्राई ने उपभोक्ताओं को सेवा जारी रखने के लिए अनिवार्य तौर पर रिचार्ज कराने का संदेश भेजने को लेकर सेवा प्रदाताओं की जमकर खिंचाई की। कई उपभोक्ताओं ने इस तरह के संदेश प्राप्त होने की शिकायत ट्राई से की थी। उपभोक्ताओं ने कहा था कि उनके प्रीपेड खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद उन्हें इस तरह के संदेश प्राप्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।